सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। एडिशनल क्वेश्चन बैंक टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। 4CA फाउंडेशन 60 तक के सभी क्वेश्चन हम बिल्कुल इजी वे में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 और उसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको काफ़ी नॉलेज मिले। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और CA फाउंडेशन के लिए तो विशेषकर इंपॉर्टेंट है। आपको गिवन है जो है आपको एक सैम्पल स्पेस गिवन है। S इज इक्वल टू A1, A2, A3 थ्री एलिमेंट है सैम्पल स्पेस में और सभी के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी गिवन है। PA1 की वैल्यू आपके पास है 0, PA2 की वैल्यू आपको दे रखी है 1/3, PA3 की वैल्यू दे रखी है 2/3 और वो पूछ रहा है कि क्या ये सैम्पल स्पेस प्रोबेबिलिटी स्पेस है या नहीं है। तो इसका मतलब देखो, इसका सीधा सीधा है जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम है PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम यदि हमारे पास 1 आ जाता है, कितना आ जाता है 1। हमने देखा कि इन सभी को जोड़ने पर ये आया 0 प्लस 1 प्लस 2 देन 3/3 1 आया। ये इन सभी का जो सम है जितने भी सैम्पल स्पेस के एलिमेंट होते हैं उन सभी का सम यदि 1 आ जाता है, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम यदि क्या आ जाता है 1 आ जाता है, तो ये जो सैम्पल स्पेस है वो एक प्रोबेबिलिटी स्पेस को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन 61 में जो सैम्पल स्पेस दे रखा है वो एक प्रोबेबिलिटी स्पेस है। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ट्रू और हम देख रहे हैं ऑप्शन ए इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा 61 के क्वेश्चन में। ऑप्शन ए जो है ट्रू, बिल्कुल सही बात ये कही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमसे PB/A की वैल्यू ये पूछ रहा है ये क्या होगी। ठीक है, ये हमें तीनों ऑप्शन में PB/A पूछ रहा है तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन में हम डिस्कस कर सके थे। लेट A एंड B टू इवेंट्स हमको दे रखे हैं, टू इवेंट्स तो हम मान लेते हैं टू इवेंट्स जो है वो A और B हो गए, A एंड B। तो सिंपल सी बात है, जब टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं A और B तो PA इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी PA x PB। ठीक है, ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए है और ये बार बार मैं आपको बता चुका हूँ। जिन विद्यार्थियों ने जो है पिछले वीडियो ने देखे वो समझने और पिछले वीडियो को भी समझने की कोशिश करें। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू PA x PB होगी, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू PA x PB होगी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है PB/A और इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है PB x A/PA। और जब हम ये A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो यहाँ पर हम PB x A की वैल्यू PA x PB जब हम रखते हैं यहाँ पर, तो नीचे जो है ये देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का याद होना चाहिए। एक बात और समझ लें आप कि B इंटरसेक्शन A और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, इसलिए PB x A की वैल्यू या PA x B की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसकी जब मैंने वैल्यू रख दी तो इसके नीचे भी क्या है PA, तो यहाँ पर PA से PA वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी PB के। तो यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका मतलब यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PB/A की वैल्यू हमारे सामने आ जाती है PB, किस कंडीशन में, जब A और B क्या होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ऑप्शन सी जो है वो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 63 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा था व्हेन एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नेगेटिव द रिजल्ट इज, तो आप समझे कि जब एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन जो है वो नेगेटिव है तो रिजल्ट जो है वो अनफेवरेबल होगा, अनफेवरेबल। तो इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा अनफेवरेबल और ऑप्शन बी जो है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा।
तो इजीली आपके समझ में आया होगा। अब सिंपल क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 64। क्वेश्चन नंबर 64 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन द सम ऑफ स्कोर, द सम ऑफ स्कोर व्हेन द टू डाइस आर रोल्ड। देखो एक बात आपको मैं बता देता हूँ, जब भी टू डाइस को रोल्ड किया जाता है तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो होता है वो आ जाता है 36, या नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं 36 आ जाते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अब मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ, उससे आपको इस क्वेश्चन को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब हम टू डाइस को जो है फेंकते हैं, रोल करते हैं, तो जो है उस पर आने वाले जितने भी नंबर होते हैं उनका जो पेयर है वो ऐसे होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसके बाद है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। इस तरह से टोटल सैंपल स्पेस मैंने आपको बना के बता दिया है और नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स इन सैंपल स्पेस आ जाएंगे 36, ठीक है। अब ये कह रहा है x क्या है, यहाँ पर x के बारे में हम समझते हैं। x जो है वो है सम ऑफ स्कोर्स, सम ऑफ स्कोर्स, ठीक है। अब देखो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो कि जो टू जो पेयर आया है उसमें जितने भी नंबर हैं उनका सम हम क्या क्या हो सकता है। देखो आप इसको आप ज़रा ध्यान से समझ लें कि सम क्या क्या हो सकता है। देखो जब वन और वन को जोड़ते हैं तो इसका सम आता है आपके पास 2, ठीक है, और 2 1 और 1 2 का जो सम आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 1 2 2 3 1, ये आ जाएगा आपके सामने 4, और ये 1 4 2 3 3 2 4 1, ये आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा 6, ये आपको 6 दिख रहा है, ये 7 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ये आ जाएगा 7, और ये 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, इसका आ जाएगा आपके सामने 8, इसी तरह से 3 6 4 5 5 4 6 3, इसका आपके सामने आ जाएगा 9, ये 4 6 5 5 6 4, ये आ जाएगा 10, दो नंबर जो है उनका सम ये आ जाएगा आपके सामने 11, और ये आ जाएगा आपके सामने 12। तो इस तरह से आपके सामने जो है x की वैल्यू आई है, ये सभी की सभी आपके पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर ये है x, x की वैल्यू जो है 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये x की वैल्यू है, ठीक है, टोटल सम ऑफ नंबर्स ऑफ टू डाइस। तो 2 से स्टार्ट होकर हम 12 तक आ जाते हैं, ठीक है। अब इनकी हम सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो देखो 2 के लिए हमारे पास आता है तो ओनली वन पेयर है, देन 1 अपॉन 36 आ जाएगा, ये 1 अपॉन 36, और 3 के जो है 2 पेयर है, देखो 1 2 2 1 मैंने लिखा इस हिसाब से ताकि आप इसको आसानी से समझ सके, तो आ जाएगा 2 बाई 36, ठीक है। तो आप जानते हो प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो 36 है, तो 36 से डिवाइड करेंगे 4 के, देखो 1 2 3 3 जो है पेयर हैं, तो 3 अपॉन 36। 5 के बढ़ते जाएंगे, 5 के देखो 1 2 3 4 4 है, तो 4 अपॉन 36। इसी तरह से 6 के देखो 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, ये जो है 5 है टोटल, 5 अपॉन 36, देखो आप 1 2 3 4 5। इसी तरह से जो 7 के सबसे ज़्यादा होंगे 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 6 अपॉन 36। इसके बाद कम होना शुरू हो जाता है, 8 के लिए देखो 1 2 3 4 5, वापस 5 हो जाएंगे, 5 अपॉन 36। 9 के लिए और कम हो जाएंगे, 4 अपॉन 36, फिर ये 3 अपॉन 36, ये 2 अपॉन 36, और ये 1 अपॉन 36। अब देखो 12 के लिए ओनली 1 है, 6 और 6 का पेयर है, 5 6 6 5, ये 2 है, इसके तरह से ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह से जो है 1 से लेकर 6 तक बढ़ेंगे, और फिर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अब हम निकालते हैं एक्स आई पी आई,
आई, इन सब का मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2 बाई 36, 6 बाई 36, 12 बाई 36 और ये 20 बाई 36। आप जानते हो एक्स आई पी आई का मतलब, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 बन जा 2 और 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30 अपॉन 36, 7 6 जा 42 अपॉन 36, ये आ जाएगा 8 5 जा 40 अपॉन 36, ये 36 अपॉन 36, ये 30 अपॉन 36, ये 22 अपॉन 36 और वे 12 अपॉन 36। इस तरह से मैंने एक्स आई और पी आई का आपस में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से जो है हमने एक्स आई पी आई का मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे सामने रिजल्ट है, ठीक है। सबके नीचे 36 है। इजी मेथड से सोल्व करने के लिए 36 को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप ओनली 2 6 12 20 30 42 40 36 30 22 और 12 को जब आप इसमें प्लस करते हो तो आपके सामने ये रिजल्ट आ जाता है 252 अपॉन 36, 252 अपॉन 36 जो है आपके सामने रिजल्ट जो है आ जाता है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, आप जानते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है ये कह रहे हैं ना, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स को हमने जो है इन दोनों का सम्मान लिया है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स होता है सिग्मा एक्स आई पी आई, और ये आपके सामने आया 252 अपॉन 36। और जब मैं इसको 7 से काटता हूँ, 7 6 42 7 21 4 25, तो 7 से कंप्लीट पूरा कट जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपकी आती है वो आती है 7। इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ सकते हो, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा भी दिया है, आप इसको समझ के याद भी कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपके सामने आए तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व ना करना पड़े, ठीक है ना। बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 64 में ऑप्शन डी जो है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, और इजीली आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो और कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 65 समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 65 में आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। लेट ए एंड बी द इवेंट्स विद पी ए पी बी एंड पी ए बी। यहाँ पर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, ये आपको 1/12 रखा है, ठीक है। देन पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते हो, बहुत ईजी फॉर्मूला है, पी ए अपॉन बी का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये फॉर्मूला जो है आपके इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, और इसको फॉलो करते हुए जब मैं इसके सीधे सीधे वैल्यू दे रखी है वो रखता हूँ, पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/12 एंड पी बी की वैल्यू जो दे रखी है आपको 1/4, देन 4/12 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और ऑप्शन ए इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहें, आगे शेयर करते रहें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप, और बेल आइकन को प्रेस करें, आगे जो है वीडियो को शेयर करें। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।